बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि टीईटी की वैधता जीवन भर के लिए अब मान्य होगी। तो ये खबर कितनी सच है और कितनी झूठ, चलिए आइए हम जानते हैं। वैसे ये न्यूज मुझे दिल्ली के है, दिल्ली के विशेषदाता यानी कि विशेष संवाददाता यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिल्ली के पेपर में। अगर आप लोग को प्रूफ चाहिए तो आप लोग इस पेपर को ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो अब देख लीजिए कितना बड़ा फैसला है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि टीईटी की कुछ वैधता होती थी कि इतने साल के लिए देना है, हमें इतने साल तक वैलिड रहेगा, फिर से मुझे टीईटी में बैठना पड़ेगा। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस एक बार एग्जाम दोगे और जीवन भर के लिए वो मान्य हो गए, उसके बाद आपको बस जॉब करना है। तो वैसे मैं टीजीटी, पीजीटी, टीआरटी, एलटीई इन सब के बारे में बता ही चुकी हूँ। तो ये देख लीजिए टेट, यानी कि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के बारे में आपको आगे की जॉब के लिए आपको जानना ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जीवन भर के लिए मान्य हो जाएगी। केंद्र सरकार ने शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों के हक में महत्वपूर्ण फैसला किया है कि उन्हें अब हर 7 साल में शिक्षक की परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि एक बार टीईटी दे लेते थे तो आप हर 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बल्कि एक बार टीईटी पास करने पर आप जीवन भर यह व्यवस्था देश भर में लागू होगी। यानी कि हमारे बिहार में भी, यूपी में ही, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितने भी देश है उन सब में, पूरा जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सब में लागू हो जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर यानी कि एनसीटीई ने के चेयरमैन विनीत जोशी ने कहा है कि टीईटी को अब जीवन भर के लिए मान्य कर दिया गया। अभी तक यह 7 साल के लिए मान्य होता था। हाल ही में काउंसिल में बैठक से निर्णय लिया गया है कि व्यवस्था के आगे आयोजित होने पर टीईटी परीक्षा के लिए लागू होगा। जो छात्र पहले से टीईटी पास कर चुके हैं उनके मामले में एसटीई ने कहा है कि वह कानूनी सलाह लेकर फैसला करेगी, लेकिन अब जो छात्र परीक्षा देंगे उनके लिए है ये, और जो पहले किए हैं तो उन पर अभी विचार नहीं किया गया है। नेट की तर्ज पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने पर उच्च शिक्षा के बाद स्कूल शिक्षा में भी नेट की तर्ज पर टीईटी का प्रावधान किया गया, लेकिन इसकी मान्यता 7 साल के लिए है। यानी कि टीईटी के बाद पास कर 7 साल में शिक्षक की नियुक्ति अगर नहीं होती थी तो फिर उसे टीईटी के लिए आवेदन करना पड़ता था और देन पास करता था तभी उसकी जॉब लगती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि 7 साल के बाद दोबारा बैठना पड़ता था परीक्षा में, तो कुछ भी अब ऐसा नहीं है। और टीईटी मैं आपको बता दूं तो यह साल में 2 बार सरकार आयोजित करती थी, यानी दिसंबर और जुलाई में। कब कब? तो जुलाई, आने वाले जुलाई में होगा और दिसंबर में। अगर मान लीजिए कि आप बीएड के लास्ट ईयर में आप चाहते हैं एग्जाम देना, तो आप इस एग्जाम में एक बार बैठकर इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आता है। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से ही होती है, तभी जाकर सक्सेस मिलती है, वरना कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। परीक्षा स्थगित होने के कारण उम्मीदवारों को यह चिंता सता रही है कि सीबीएसई द्वारा सीटीईटी 2020 परीक्षा केवल एक बार ही आयोजित किया जा सकता है। अब क्या है, सीबीएसई के द्वारा सीटैट अब बस एक ही बार आयोजित किया जाएगा, और यहाँ पे टीईटी है जो साल में 2 बार आती है, दिसंबर और जुलाई में। तो अगर आप चाहते हैं फिल करना, अगर आप चाहते हैं कि अपने टीचर बनने के सपने को पूरा करें, तो आप कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों के लिए, जिनको नहीं पता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो छोटी बड़ी अपडेट अगर आपको चाहिए सबसे पहले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और दूसरा, अगर आप पुराने हैं मेरे, तो आप क्या करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, जो लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप नीचे कमेंट कर मुझसे कह सकते हैं।